सो गाइस मैं हूं राहुल आज आप देख रहे हैं आपका कहीं यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार वीडियो लेकर आया हूं जो लकड़ी काटने वाली मशीन होती है चैन पे मोबिलिटी क्यों नहीं जाती। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में आप देखें, जरूर देखें, चलते हैं शुरू। आज अर्किल कंपनी का मशीन है, 62 cc का है। इसको देखिए चैन पे मोबिल नहीं है, चैन कितना सूखा है। मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, चैन पे मोबिल नहीं आ रहा है। इस वीडियो में जरूर देखना, पूरा वीडियो देखेंगे तब भी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तब देखिए चैन पे मोबिल नहीं आया है। अब मैं इसको दिखाऊंगा क्या क्या आपको खोलना है। तब पहले नंबर जैसे इसका टंकी जो होता है, टंकी में हम चेक करेंगे टंकी में आयल है कि नहीं। इसमें देखो आयल भरा हुआ है। तब दूसरे नंबर जैसे इसका जो फिल्टर होता है, फिल्टर को हम चेक करेंगे। फिल्टर जैसे भटा उठा रहता है तब हम इसका फिल्टर देखेंगे। जैसे फिल्टर मोबिल फिल्टर जो होता है वो भट उठ जाता है तब भी चैन पे मोबिल नहीं जाता है। नो प्लास इसको हम निकालते हैं। इसका देखिए फिल्टर ही भटा है। फिल्टर जैसे ऐसे ऐसे अगर फिल्टर उल्टर भटाएगा तब भी चैन पे मोबिल नहीं जाएगा। ये देखिए कचरा, अगर ऐसे पूरा भटा रहेगा तब भी चैन पे मोबिल नहीं जाएगा। इसको ऐसे साफ कर लेना है कपड़े से। इसमें जो जाली होता है खूब बढ़िया से जाली इसका साफ कर लेना है। जाली को साफ करने के बाद फिर इसको जैसे बंद कर देना है। इसको बंद करने के बाद जैसे बंद हो गया, फिर इसको हम स्टार्ट करके चेक करेंगे, देखेंगे चैन पे मोबिल आता है कि नहीं। फिर ये देखिए चैन पे जैसे मोबिल हल्का हल्का आने लगा है। ये देखिए छिटका जो है चैन वाला इस पर आने लगा है। फिर दूसरे नंबर जैसे इसको हम जैसे खोल के चेक करेंगे, जैसे दो कमी और हम बताएंगे। जैसे अगर वहाँ से अगर नई दिक्कत रहती है तो जो दो जगह से और भी दिक्कत आ सकती है। 12-13 नंबर का स्पानर आता है, 13 नंबर से इसको आराम से ऐसे खोल लेना है दोनों नट। दोनों नट को खोल लेना है। चैन से मोबिल देखिए आने लगा है जिसका फिल्टर भटा था। हम जैसे दो कमी और बताएंगे। जैसे एक इसका नीचे गरारी लगता है और इस मोबिल पंप होता है 1 मीटर। जैसे इसको हम खोल के दिखाएंगे, अगर जैसे वहाँ से अगर नई दिक्कत रहेगी फिर जैसे इसका फिल्टर खोल लेंगे, फिर प्लग को खोलेंगे। फिर एक ऐसा जो राड होता है, राड को जैसे पिस्टन पे हम लॉक करके बजा के खोलेंगे।
जो कलच है खोल लिया हमने, फिर दूसरे नंबर देखिए अगर ये पंप वाला गरारी जो है ये भी ऐसा स्लीप अगर कटा रहेगा तब भी दिक्कत कर सकती है। उसको खोलने के बाद जो ये यहाँ पे गरारी है यहाँ से भी दिक्कत आ सकती है, जैसे दासी कट जाती है, मोबिल पंप पर जाम होकर भट जाता है तब चलता नहीं है, तो यहाँ ये कट जाता है। फिर जो यहाँ पे जो जैसे यहाँ से चलेगा ना तो इसमें बज के चलता है, तो ये भी देखिए कटा हुआ है, तो मैं इसको दूसरा लगाऊंगा, क्योंकि जैसे खुला में था तभी चैन पे मोबिल जा रही थी, जैसे चलते चलते इसका मोबिल बंद हो जाती, इसीलिए मैं इसका दूसरा भी डाल दूंगा क्योंकि कट चुका है, बाकी यहाँ से सही है बाकी यहाँ से कट चुका है। अब फिर दूसरे नंबर एक कमी और यहाँ से आ सकती है, जो मोबिल पंप होता है मोबिल पंप से भी दिक्कत आ सकती है, इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। फिर तीन नंबर का लंकी यह रहता है, यह तीन थी जो पेच रहता है, इस पेच को तीन नंबर लंकी से खोल लेना है। लंकी से हम खोल लेते हैं, ये देखिए जो मोबिल पंप होता है मोबिल पंप से, जैसे अगर यहाँ जैसे पहले नंबर जैसे मोबिल है, मोबिल से अगर नहीं दिक्कत रहती है, मोबिल फिल्टर से नहीं दिक्कत आती है, यहाँ से भी नहीं दिक्कत आती है, तो तीसरे नंबर जैसे इसको बदल देना है, मेन चीज़ जैसे यही है, यही मोबिल से जैसे उठाता है मोबिल वोबिल, मोबिल पंप इसका नाम है, इसको हमको वहीं साफ करेंगे, दूसरे नंबर यहाँ से दिक्कत आएगी। अब इसको मैं बांध देता हूँ, हमारा कमी तो सही हो चुका है इसीलिए हम इसको बांध देते हैं। मैं ऐसे दिखाने के लिए सोचा खोला हूँ तो वीडियो भी बना दूँ, दिखा दे भी। इसको बांध देना है साफ सफाई करके, हम तो ऐसे बांध देते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसको कॉल करके आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।